नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अंबेडकर नगर में अवैध नर्सिंग होम संचालक हो रहे जनपदों में कुकुर मुत्तों की भांति की खबर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में संज्ञान लेने के बाद भी नहीं जागी थी उनकी कुंभकर्णीय नींद। लेकिन जब मीडिया के स्ट्रिंग ऑपरेशन के तहत चलाए जा रहे अभियान के बाबत मुख्यालय पर लाल ब्रदर्स पेट्रोल पंप के निकट अवैध रूप से संचालित हो रहे परिवार अस्पताल एवं नर्सिंग होम में गर्भपात की जाने के तहत अगर विवाहिता का मामला हो तो रेट कुछ और, तो प्रेमिका के गर्भपात का मामला हो तो रेट कुछ और, यानी तरह तरह से उसके बाद अस्पताल के संचालक ने 10,000 रूपए से लेकर उसके ऊपर तक रेट की सूची तय कर रखी थी। लेकिन हमारे चैनल न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस ने जब उक्त प्रकरण में खुलासा किया तो बौखलाहट में आया स्वास्थ्य महकमा। उपरोक्त अस्पताल संचालक को कर दिया अलर्ट। पहली बार खबर लगने के बाद अस्पताल संचालक ने अपने अवैध अस्पताल में समस्त स्टाफ को पहले छुट्टी दी, फिर अस्पताल बंद कर खुद गया फरार। जब प्रमुखता से प्रसारित दूसरी खबर हुई तो अवैध अस्पताल के भवन पर लिखे अस्पताल के नाम को अपने शागिर्दों के माध्यम से पेंट से रंग रोगन करवा दिया मिटा। खैर, उसकी गुप्त कैमरे से खींची गई तस्वीर में साफ पता चल रहा है कि उसने अस्पताल के नाम को पेंट कर मिटा दिया। हर एक गतिविधि पर उक्त न्यूज चैनल के जिला संवाददाता अर्पित सिंह श्रीवास्तव रख रहे नजर। ज्ञात हो कि जनपद की पांचों तहसीलों में भारी संख्या में छोटे बड़े अवैध अस्पताल संचालक की रिपोर्ट भी मीडिया को मिल रही, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का भी अगर सचल दल के माध्यम से अवैध अस्पताल की जांच पड़ताल हेतु अभियान भी चलाता है तो बस नोटिस तक इतिश्री लेकर धनलक्ष्मी का अपने दलालों के माध्यम से करता है प्रबंध और कार्रवाई के नाम पर अवैध संचालक लेना देना कर बचने का रास्ता ढूंढने में हो जाते हैं सफल। लेकिन इस बार मीडिया ने ठान लिया कि अब नहीं होने दिया जाएगा जनता के साथ स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़, तो वहीं क्या कुछ कहते हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के जिला संवाददाता अर्पित सिंह श्रीवास्तव से मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकर नगर। आइए सुनते हैं उनके द्वारा मोबाइल फोन में दिए गए बयान की जुबानी। आपसे जी जो अम्बेडकर नगर जनपद में छोटे छोटे तमाम तहसीलों में अनरजिस्टर्ड रूप से क्लिनिक चल रहे हैं, इन क्लिनिकों पे अब तक आपकी क्या कार्रवाई हुई? तो कार्रवाई तो कर रहे हैं भाई, सब एमओआईसी को क्या रखा है, कोई भी अवैध आपके यहाँ नहीं चलना चाहिए सर। आप अगर चलता है तो उसमें कार्रवाई कर दो सर, कार्रवाई। लेकिन अब तक तो सचल दफ्ता के रूप में भाई इतने सारे तो हो चुके हैं कार्रवाई सर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आप हैं सर, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अम्बेडकर नगर जनपद में जो भी अनैतिक रूप से हॉस्पिटल चल रहे हैं उस गतिविधियों को रोकने के लिए, उस पर जो है रोकथाम करने के लिए आपका आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा है, पर तमाम हॉस्पिटलों में नहीं, आपके जनपद में इतने सारे चल रहे थे जी, हमने करीबन इतने सारे बंद करा दिए और क्या नाम है एक्शन ले रहे हैं, इस हिसाब से कम है। फिर भी क्या नाम है इतने सारे हैं जो 10-12 साल में कार्रवाई नहीं हुई है ना, अभी तो अब उसको धीरे धीरे करके ही तो होगा ना। जी सर, अभी 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 सर देखिए, तीन हॉस्पिटल की और खबरें आ रही हैं जिसमें जो है अनैतिक रूप से गर्भपात की जो है का काम किया जाता है, जबकि प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित ना करके। नहीं नहीं, गर्भपात का तो मतलब नहीं है, कोई भी नहीं करा सकता। और सर ऐसे तमाम अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं जो जो है लोगों को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बता दे रहे हैं कि लड़की है कि लड़का है, जबकि एक मिनट, ईसीपीएनडीटीएस में अगर मान लिया कोई कहीं से साबित हो गया ना तो उसको जेल होगी और कहीं भी बेल भी नहीं होने वाली उसकी। कल सर जेल होगी, पहले तो कार्रवाई जेल होगी कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन कर रहा है। हमें अगर जरा से पता लग जाए कि कोई आदमी आके हमारे सामने कह दे कि हाँ इसने मुझे बताया, रिपोर्ट दी है, तो अभी कार्रवाई हो जाएगी तुरंत। चलिए सर, अभी बहुत से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसपे मैं एक आज जरा किसी का वीडियो क्लिप नहीं आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं खबर के माध्यम से ही आपको दे सकता हूँ पर्सनल, नहीं चूंकि आपका मुखबिर नहीं हूँ सर, और क्षमा चाहूंगा। ऐसा है, ये जो है जैसे मान लिया हरियाणा वरियाणा की टीम, मैं तो रिपोर्ट करके वहाँ से बुला लूंगा टीम। अभी सर देखिए, आपके टांडा में निःशुल्क महिलाओं के लिए जो है रजिस्टर्ड है आपके जो है वंदना हॉस्पिटल के नाम से, डॉक्टर वंदना हॉस्पिटल के नाम से आपके जो है टांडा में रजिस्टर्ड है, जो निःशुल्क रूप से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने के लिए और जांच करने के लिए जो है बनाया गया है सेंटर। ठीक, उसमें निःशुल्क ना करके 500-600 रूपए जो है अल्ट्रासाउंड की फीस ली जा रही है महिलाओं से। अब की बात जो पीसीपीएनडीटी की मीटिंग हुई ना डीएम सर के अध्यक्षता में जी, हम कुछ पॉइंट्स उसमें और भी ऐड करेंगे कि जैसे मान लिया ये है कि कहीं भी हम एक गुप्त रूप से भिजवा कर देखेंगे एक दो लोगों पे
मैं बात रखूंगा डीएम साहब के सामने। अब असल में देखो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतना अकेला आदमी हूँ मैं सर। आपके नीचे डिप्टी सीएमओ है, आपके नीचे जो है सर जो है बहुत सी टीमें कर रहे थे, आप कैसे कह रहे हैं सर, ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अकेला आदमी हूँ सर? अरे भाई 12 एसीएमओ की जगह एक एसीएमओ है यहाँ सर। सर 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 सीएमएस सर भी हैं, आपकी बहुत लंबी टीम है। नहीं नहीं टीम लंबी नहीं है, टीम एक दो मिल जाए, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। आप सर तत्कालीन पुलिस का सहारा भी ले सकते हैं सर, तत्कालीन आपके पास इतने पावर हैं। हम तो डीएम साहब से ही बात कर लेंगे। आप अपने सकल दस्ता के माध्यम से एक अभियान चलाइए और जिस अभियान में एक एक समय रखिए टांडर तहसील का, एक समय रखिए जलालपुर का, एक समय रखिए पीटी का। नहीं नहीं एक दिन में पूरा उसका करेंगे पूरा। नहीं तो पूरा एक दिन में पूरा जनपद आप कवर नहीं हो पाएगा। नहीं आधा आधा जनपद हो जाए कम से कम, लगे तो सही कुछ हाँ एक्शन हुआ है। तो सर ये थोड़ा सा बड़ा मामला, और परिवार हॉस्पिटल का जहाँ तक मामला है सर, इसमें आप द्वारा जो है अभी तक टीमें गठित की गई हैं, उस टीमों में किनको किनको डाला गया है सर? उसमें डॉक्टर रामानंद और डॉक्टर संजय। डॉक्टर रामानंद और डॉक्टर संजय। हाँ सर सर अभी तक सर जो है इन्होंने कोई रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की? अभी तो आज, अरे भाई तो आज ही तो दिया सुबह में, कल हमें सूचना मिली, आज हमने उनको दे दिया लेटर। अब लेटर देखे बाद वो कार्रवाई उसमें देखेंगे, अब जाके वहाँ पे देखेगा उसको। जी अभी तो सर अभी जो खबर चल रही है उसमें तो जो है पहले वॉल पेंटिंग से पटवा भी दिया उसने, और मुझे बता दिया उन्होंने, गेट में ताला भी लगा दिखा दी गए चैनल में दिखा दी गए वो। जी कौन? लेकिन फिर भी हमने अरे नाम मुझे याद नहीं है। पप्पू पाठक। हाँ भिंगा टैंक पप्पू पाठक भैया। हाँ उन्होंने मुझे दिखा भी दिया, लेकिन टीम हमने फिर भी गठित कर दी जिससे कि भाई किसी भी तरीके से वहाँ से वो निकाल सके। सर अभी कुछ दिन पहले बस्तारी में आपके जो है बिल्कुल सीएससी के सामने जो है एक अल्ट्रासाउंड सेंटर और जाट पैथोलॉजी का मामला आया था सर, उसमें भी इसी प्रकार से फर्जी रजिस्ट्रेशन और जो है अवैध रूप से संचालित करने का मामला आया सर, उसमें क्या हुआ? सर अभी मामला आया था कि ये इतनी सारी बातें मेरे से आगे वहाँ ऑफिस में पूछ लेना। जी आइए जानते हैं हमारे संवाददाता को कौन कह रहा था अवैध। अस्पताल परिवार अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालक की खबर नहीं प्रसारित किए जाने के लिए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। नमस्ते। अरे ये हम विश्वनाथ वर्मा बोल रहे हैं, हमारे सीसी पेपर वाले विश्वनाथ वर्मा। मुझे बताएं। अरे भैया ये हमारे सीसी में ये कोई आप मैसेज डाले हैं का नर्सिंग होम वाला? हाँ डाले हैं। ये भैया एक मित्र है ना बगल के कटेरी के, उनके वो मित्र है तो कहने लगे तो भाई साहब से पूछ ले थोड़ा। क्या मतलब क्या है? मतलब वो कह रहे हैं कि भैया वो सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा न चलाओ खबरिया ये बात कह रहे थे। खबर तो मैंने रुकेगी, अब वो हॉस्पिटल की तो जाँच होना चाहे है, शोभा मैडम को अभी मैंने भेजा है टैंगो, और वो जो है गर्भपात कराएंगे। वो गर्भपात कराएंगे? नहीं नहीं नहीं, महिलाओं को गर्भपात कराएंगे, जिस पे हमारी जो है सरकारें जो है जी 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 पे रोक लगाने का बंद जो है प्रयास कर रही है। आप तो किसी महिला नहीं, आप किसी महिला का अब आप आवासन करेंगे, आप और प्रोत्साहित आपको करना चाहिए। सही सही। आप 10,000 रूपए 20,000 रूपए लेकर आवासन कर दे रहे हो? अच्छा अच्छा ये सब क्या कह रही है बात? आप बताइए, आप ये बताइए कि अरे नहीं सही भैया सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये सही है? नहीं नहीं हमने कभी विज्ञापन नहीं मांगा उन लोगों से, हमने कभी उन लोगों से सहयोग नहीं मांगा। भाई आप समाज को तो ना उत्क्षीण करो यार। हाँ सही है सही है, नहीं देंगे यार तुम्हारा हमको ऐसा पैसा। ठीक है समाज को उत्क्षीण ना करो तो। हाँ सही है। हाँ बढ़िया भैया, हम देखिए निवेदन अपने बीच के लोगों का स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे नहीं कर पाएंगे जहाँ पे समाज के उत्थान की बात हो। अगर समाज के साथ गलत हो रहा है
उनको आवाज को बुलंद करेंगे वो चले वही कह रहे हैं आपसे समझ ली क्योंकि सारी जानकारी नहीं है। चलो ठीक है फिर मुलाकात होते हैं। हाँ मुलाकात हो जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।